क्षमता भी है, स्वयं दूध पिला दिए अपने बच्चे, जब दांतना थे तब दूध पियो, ये भगवान की लीला। माता पिता के एहसान कभी चुकाए नहीं जा सकते, उनके ऋण से पूरे न होने का केवल एक तरीका है, जी भरकर उनकी सेवा कर लेना। और कोई बेटी से सदा सदा ना कोई रहा है ना कोई रह सकता, आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग पी राजा भी जाएंगे, महाराजा संत ब्रह्म ज्ञानी तत्व देवता। भगवान कहते हैं कि गर्व मैंने इस प्रकार मरने के पहचान का सब कर्तव्य तुम कहा है, 10 दिन के भीतर इसको सुनने से सब आप छूट जाते हैं। ये बंदों के लिए किया हुआ कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला और पुत्रों को वांछित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते हैं उनका जन्म भी निश्चय माता के तुल्य समझ कर भी नहीं जीना चाहिए। देवता और पितर उनके घर को कभी नहीं देखते हैं, पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्री होते हैं। वेद की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि अन्य सबों को चरणार के समान जाना चाहिए। इस पुण्य और ना कोई आस करूं मैं।
जगदीश
कि बेबी बेबी हर दुनिया के ते मैं आखां बेबी उस वेले बेबी कोई नहीं बंदा जदों जांदी जान अकेली आए हैं सुजानी जदों जान दी जान आके
ऐसी कौन सी चीज है जो इस जहां से नहीं मिलती, मिल जाता है पर मां नहीं मिलती। दिन भर की मां बीमार हो गई, बीमार ने सोचा कि क्यों ना हो मां के हाथ से दान पुण्य करवा दिया जाए और मां के एहसान का बदला चुका दिया जाए। यही समय उचित है तो बीरबल ने एक थाली में हीरे मोती जवाहरात लेकर के मां के पास पहुंचा और मां को कहने लगा कि मां देखो मैं आपके हाथों से दान पुण्य करवाने के लिए क्या लाया हूं। आज मां मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका देना है। मां ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, आज तक कोई भी बेटा अपने मां बाप का ऋण नहीं चुका पाया, अरे तू क्या चुका पाएगा। मां कहने लगी, अगर ये बात है तो सुन बीरबल, आज रात को तुमने मेरे साथ सोना है। बीरबल कहने लगा कि मां मैं अब बड़ा हो चुका हूं, ये बात मां आपको शोभा नहीं देती। मां कहने लगी, अरे मूर्ख, अरे मां के लिए बच्चा जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो बच्चे का बच्चा ही रहता है। बीरबल ने मां की बात मान ली और वो रात को सोने के समय मां के पास पहुंचा। मां बेटा दोनों इकट्ठे सो गए। मां ने देखा कि बीरबल सो गया है तो मां ने थोड़ा सा पानी उसके बिस्तर की ओर गिरा दिया। बिस्तर गीला हो गया और बीरबल की आंख खुल गई और गुस्से में आकर के मां को कहने लगा कि मां तूने मुझे इसीलिए यहां पर बुलाया था। मां कहने लगी कि बस बेटा, तू एक ही रात में कितना तंग आ गया। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए ऐसी ही कितनी ही रातें गुजारी हैं, अरे तू मां का एहसान क्या चुका पाएगा। कहने का भाव ये है कि मां बाप का ऋण कोई नहीं चुका सकता। तो जाते जाते ये दिवंगत आत्मा हमको क्या चेतावनी दे रही है कि जीते हुई बाजी लोगो, जीती हुई बाजी लोगो, देवता समाना सारा गम वाली पीर नूं, क्या सूरत थी क्या सीरत थी। मां ममता रहती थी घर के सुख दुख में सदा, एक अहमद जरूरत थी पाओ छुए और काम मरे, ऐसी एक मुहूर्त थी। सच कहते हैं मां हमको तेरी बड़ी जरूरत थी के देखदार।
से तुम्हारे किसी बोलने की इच्छा हो और वो लोग की प्रतिबंध ने तालियां दी जिस तुम्हारे किसी बोलने की इच्छा हो और उनकी कई काम नहीं लोग नहीं जिस तुम्हारे से बैठी मां हो के श्वास श्वास में
हरे हुए, महकते हुए, फूलते हुए, फलते हुए परिवार को पूर्ण आशीर्वाद देते हुए उनके पुत्र पुत्र वधुएं जोगेंद्र पाल जी, सरोज बाला, सतीश कुमार जी, पूनम बाला, राजीव जी, अल्पना पवन जी, गीता रानी जी, ये पुत्र पुत्र वधुएं, खुश रानी, राजीव अरोड़ा जी, समस्त पुत्र पुत्र वधुएं, बेटी दामाद, पौत्र पड़पौत्र दोहोत्र, सब परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपना प्यार देते हुए प्रभु चरणों में विराजमान हुई। आज समस्त परिवार यही प्रार्थना कर रहा है कि माँ आपका प्यार, आपकी मेहरबानियां, आपके एहसान हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। दुनिया में हमें बहुत कुछ मिला, मिल रहा है, मिलता रहेगा, मगर जो प्यार आपसे मिला वो किसी से नहीं मिल सकता। आज समस्त परिवार की प्रार्थना है प्रभु से कि आपकी मनाई दुनिया में जो हमें माँ से प्यार मिला और किसी से नहीं मिल पाएगा, कौन सी नरम चैव नरोत्तमम्।
कब तक है? जब तक उसकी प्रारब्ध है, जब तक शरीर का दाना पानी भूखा है। क्या स्वस्थ मिलन देवम यावत दुए जरा यावत दान काले। जब तक देह स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक मौत नहीं आई, तब तक ये शरीर राम सुझावा बेचिया दिए कबीरा रोए। जब बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ता है। किंतु मेरी प्यारी आत्मा, इस अनमोल शरीर को पाकर कहते हैं कि यदि संतों की संगति की है, प्रभु का भजन किया है और भी आगे निकले, शरीर में रहते हुए अपने आप कबीर कहते हैं मुझे शरीर भी बहुत प्यारा है। बेटी से सदा सदा ना कोई रहा है ना कोई रह सकता, आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग पी राजा भी जाएंगे, महाराजा संत ब्रह्म ज्ञानी तत्व देवता भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि गर्व मैंने इस प्रकार मरने के पहचान का सब कर्तव्य तू कहा है। दस दिन के भीतर इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। ये प्रभु के लिए किया हुआ कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला और पुत्रों को वांछित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते हैं उनका जल भी नहीं सत्य मंगा के तुम्हें समझ कर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितर उनके घर को कभी नहीं देखते हैं। पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पुत्र दरिद्री होते हैं। वेद की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि अन्य सबों को चरणाम के समान जानना चाहिए। इस पुण्यदायक कर्म को जो भी सुनता है, जो भी सुनाता है, जो पाप से छूट जाते हैं और उनकी दुर्गति नहीं होती है। माता पिता के मरने पर जो पुत्र इस गरुड़ पुराण को सुनता है उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और पुत्र संतान वाला होता है। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, वृक्षों को स्वर्ग नहीं किया तथा मासिक और वार्षिक श्राद्ध भी नहीं किए, वह पुत्र कैसे कहा जा सकता है तथा तीनों बहनों से कैसे छू सकता है तथा माता पिता को काटने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात वह कुछ भी करने को समर्थ नहीं है। इसीलिए सब प्रकार यत्न करके गर्व प्राण अवश्य सुनना चाहिए। ये धर्म अर्थ दान और मोक्ष को देने वाला तथा उत्तम नाश है। और ये गर्व भगवान की ही है। त्वयति बोल माननीय पार्षद शर्मा जी और नगर होती एसोसिएशन रजिस्टर की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। नागपाल परिवार के साथ गहरी सहानुभूति प्रकट की गई है। तो आदरणीय श्री निरंजन जी नागपाल, समस्त नागपाल परिवार, कालड़ा परिवार, आहूजा परिवार, जुनेजा परिवार, अरोड़ा परिवार, आयु विश्व मित्रों का, संबंधियों का बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट की है। नम्र निवेदन है आरती पगड़ी के रस्म के उपरांत जिन्होंने भोजन का प्रसाद नहीं लिया वो अवश्य लें और चाय का प्रसाद भी सभी अवश्य लेकर के जाएं। जय जगदीश स्वामी वाला कारण मां
चेयरमैन डॉक्टर सुभाष वर्मा जी भी पधारे हैं।